आज ज्यादातर गांव में हर रात बच्चे इसी तरह पाते हैं। जब तक सभी गांव में 24 घंटे बिजली नहीं पहुंचे, तब तक क्या हमें इंतजार करना होगा? इसका उपाय कर्नाटका में स्थित सेल्को फाउंडेशन ने सौर ऊर्जा से निकाला। अपने कार्यक्रम लाइट फॉर एजुकेशन के अंतर्गत ये संस्था स्कूली बच्चों को सोलर पावर टेबल लैंप उपलब्ध करवा रही है। अभी तक लगभग 40,000 बच्चों को टेबल लैंप उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे लाभान्वित स्कूली बच्चे संतुष्ट हैं। इस सोलर टेबल लैंप के कारण हम अब रात में भी बिना परेशानी के पढ़ सकते हैं। ये टेबल लैंप पॉकेट साइज बैटरी पर चलते हैं। इसे चार्ज करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड चार्जिंग सेंटर बनाया गया है, जिसमें एक साथ 20 से 30 बैटरी चार्ज हो सकें। इस टेबल लैंप की कीमत 1700 रुपए है और 4 वर्षों के लिए मेंटेनेंस शुल्क मात्र 300 रुपए। यदि ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उपलब्ध हो जाए तो उनकी पढ़ाई बेहतर हो सकेगी। इसके लिए स्कूलों से संपर्क कर योजना पर विस्तृत चर्चा की जाती है। स्कूल प्रबंधन के राजी होने पर स्कूल परिसर में सोलर आधारित सेंट्रल चार्जिंग फैसिलिटी लगाई जाती है। बच्चे केवल मेंटेनेंस शुल्क 300 रुपए देकर 3 वर्षों तक उपयोग कर सकते हैं, जबकि इसकी कीमत 1700 रुपए कुछ कंपनियां अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से देती हैं। इस स्कूल की ज्योति 93.4% नंबर के साथ इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में पूरे जिले में अव्वल रही। इस सोलर लैंप से बच्चों को रात में बिना किसी रुकावट के पढ़ने का समय मिल जाता है। बैटरी के छोटे होने के कारण बच्चे इसे आसानी से स्कूल में ले जाते हैं और स्कूल में लगे सोलर चार्जिंग सेंटर में इसे मुफ्त में चार्ज कर लेते हैं। सरकार द्वारा बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कई अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मध्याह्न भोजन, यूनिफॉर्म, साइकिल, स्कॉलरशिप आदि। सोलर टेबल लैंप इसी दिशा में एक नया प्रयास है। ये सोलर टेबल लैंप केवल विद्यार्थियों के जीवन को ही प्रकाशित नहीं कर रहा, बल्कि नए नए नवाचारों या इनोवेशन के मार्ग भी खोल रहा है। अब मैं ये टेबल लैंप अपनी छोटी बहन को दूंगी, जिससे ये भी अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सके। वैज्ञानिक सिद्धांत या प्रक्रिया को स्पष्ट करने में आ रही समस्या को देखते हुए कई तरह के मॉडल बने, पर इन्हें वीडियो एनिमेशन की मदद से बेहतर समझाया जा सकता है। पर समस्या थी कि बिजली की स्थिति को देखते हुए स्कूलों में कंप्यूटर और वीडियो प्रोजेक्टर कैसे चलाए जाएं? इसका समाधान सोलर पावर से निकला। ई शाला कार्यक्रम के तहत एक ऐसा वीडियो प्रोजेक्टर डिजाइन किया गया, जिससे सभी विषयों के पाठ शिक्षक एनिमेशन और ग्राफिक के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्मार्ट क्लास हमारा इन क्लास में विशेष ध्यान बना रहता है और हमें विषय आसानी से समझ आ जाते हैं, क्योंकि इसमें चित्र का भरपूर उपयोग होता है। लाइट फॉर एजुकेशन और फिर इस नए कार्यक्रम ई शाला ने अब गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसन कुंटे के शिक्षकों में भी एक नई सोच पैदा की है। पिछले कुछ वर्षों से बिजली की कमी के कारण बंद पड़े कंप्यूटर लैब को इस स्कूल के शिक्षक स्कूल में लगे सोलर पैनल के माध्यम से फिर से चलाना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल के खुलने से पहले और बंद होने के बाद इन सोलर चार्जर का कोई उपयोग नहीं होता। यदि ऐसा हो सका पूरे कर्नाटक राज्य के लिए और बाकी जिलों के लिए भी बिल्कुल नई बात हो। इनोवेशन और विकास कई मामले में हमें खो खो के खेल सा लगता है, जहां कोई एक चाल और एक पड़ाव खेल की दिशा ही बदल देती है। क्या पता सोलर पैनल के माध्यम से स्कूलों में पहुंचाई जाने वाली ये रोशनी पूरे ग्रामीण विकास को ही एक नया उजाला दे सके।